अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज चल रही है हमारी गंदम मेरे पर। इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी लेकिन इतना खास बताया नहीं था, तो आज हम आपको डिटेल में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल ज़फ़रलैंड ऑफिशियल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फेसबुक पेज ज़फ़रलैंड ऑफिशियल को भी फॉलो करें। तो भाई ये रे पर ये इसके दांत हैं जो गंदम को नीचे से काटते हैं, सही है। उसके बाद मेन जो पॉइंट होता है वो इन चीज़ों का होता है। ये जो है घूमते हैं इस पट्टे की मदद से, ये घूमते हैं घूमते लेके जाएंगे उधर बाहर, उसके बाद ये बाहर निकलेगी। इनका काम है जो है ना गंदम को अंदर खींचते हैं, दांते जो है वो काटते हैं। ये दांते सही है, ये जो व्हील चक्र है ना ये इसको जो ना इकट्ठे लेके जाता है बाहर निकालने के लिए। तो भाई इसे ना घूमता है सही, ये घूमता है घूमता है इसको घुमाता है सही। इसके बाद एक जाती है उधर रोड, वो मैं रोड आपको दिखा रहा हूँ। ये वो रोड है, ये वहाँ कनेक्ट हो रही है सही है। तो ये यहाँ रोड आ रही है सही है, ये घुमा रहा है इसको। ये वो पट्टा है, काली पट्टा दे, ये पट्टा इसको घुमाएगा सही। ये हिस्सा जो है ये पूरा घूमेगा, ये दांतियाँ हैं ना दांतियाँ ये घूमती जाएंगी और उधर अपना काम करती जाएंगी। इन चीज़ों में से ये जहाँ ये अगर टूट गई तो ये काम नहीं करेगी, ये बंद हो जाएगी। तो ये है भाई रेपर मशीन। तो भाई ये लग रही है रेपर, ये उतर गई है भाई, ये जो है ना अभी रह रही है। ये साइड क्लियर हो गई है, ये देखो भाई सफ़ेदा, इसको हम सिंधी में तो बेद मुश्क बुलाते हैं लेकिन मेरे ख्याल से इसको मैंने सुना था सफ़ेदा भी बुलाते हैं। बहुत लंबा है, इसकी शाम भी बहुत ठंडी होती है भाई। ये है इस ट्रैक्टर का ड्राइवर, तो हमें अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल ज़फ़रलैंड ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।